हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये गुड़हल का पौधा है और हमारे एरिया में, दिल्ली में, वैसे तो सभी जगह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। लगभग 5-6 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो रहा है और सभी के देखिए पत्तियों का इस तरह से जो कोहरा पड़ता है, इसकी वजह से देखिए पत्तियों के ऊपर ऐसे ये जम जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो है फोटोसिंथेसिस करने की जो है प्रोसेस स्लो पड़ जाती है। एक तो वैसे ही ये थोड़ा ठंड की वजह से हमारे पौधे जो है स्ट्रेस में होते हैं ठंड की वजह से, ऊपर से जो कोहरा पड़ता है और पोल्यूशन भी जो है सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से देखिए पत्तियों के ऊपर से इस तरह से कोहरा जम जाता है और मिट्टी जम जाती है। तो इस वजह से हमारे पौधे देखिए बिल्कुल देखने में ऐसे डल से हो जाते हैं, इनकी चमक खत्म हो जाती है। और देखिए वैसे तो देखिए इतने मौसम में भी इसमें देखिए कलियाँ बनी हुई हैं जगह जगह पर, ये देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए छोटी छोटी सी कलियाँ बन रही हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हम इनसे पौधों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ख़ास तौर से जो हमारे देसी गुड़हल होते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़्यादा चले जाते हैं। तो देखिए लेकिन फिर भी आज हम इनकी पत्तियों को ठीक करेंगे, ताकि एक ऐसा स्प्रे बनाएंगे जिससे कि इनकी पत्तियों का जो ये स्ट्रेस है, इनकी जो चमक है दोबारा से वापस आए, इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दोबारा से अच्छी तरीके से शुरू हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगभग 10 दिन पहले इस वाले गुड़हल के ऊपर ये स्प्रे किया था। देखिए कितनी अच्छी इसमें कलियाँ निकल के आई हैं, बहुत सुंदर कलियाँ निकल के आई हैं और काफ़ी सारी। देखिए ये कली है, ये देखिए हर, देखिए इस ब्रांच में भी ये देखिए 2 कलियाँ ये रही, ये देखिए। इस तरह से मैंने ये स्प्रे इस पर लगभग 2 बार किया 10-10 दिन के अंतर पर। इसकी भी पत्तियाँ बिल्कुल इसी तरह से डल बनी हुई थी और देखिए छोटे से प्लांट में कितनी सारी कलियाँ निकल के आई हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी कितना अच्छा इनमें इम्प्रूवमेंट आया है। और ये स्प्रे मैंने लगभग देखिए इसमें भी यहाँ पर भी कली बन रही है, ये देखिए 2 कलियाँ ये और कितना अच्छा छोटा प्लांट है। और देखिए यहाँ पर भी बननी शुरू हो गई हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दिल्ली में, जो टेम्परेचर कल का था 5 डिग्री था, उसमें हमारे प्लांट सर्वाइव कर लें यही बहुत अच्छी बड़ी बात होती है। लेकिन मैंने ये स्प्रे करने के बाद काफ़ी अंतर अपने प्लांट्स में देखा है। तो ये स्प्रे मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी और जो मेरे बाकी प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी मैं इनका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा निकल के आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऑरेंज कलर का हाइब्रिड गुड़हल है और देखिए ये भी, इसमें भी कलियाँ आनी बंद हो गई थी लगभग, और अब देखिए कितनी सुंदर इसमें बड़े साइज़ का फूल निकल के आया है। ये पिंक गुड़हल है और देखिए कलियाँ इसके आसपास, फूल के आसपास कितनी सारी बनी हुई है, बहुत सुंदर इसमें। और ये मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि स्प्रे करने से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है प्लांट्स के ऊपर, हर तरफ कलियाँ ही कलियाँ बनी हुई हैं। बस मैं इनको धूप में रखती हूँ और 10-15 दिन में ये स्प्रे कर लेती हूँ, और इसको मैं जड़ में भी कई बार डाल देती हूँ 15 दिन के गैप पर, और स्प्रे मैं हर 10 दिन बाद करती हूँ। ये देखिए पिंक गुड़हल है, छोटा सा पौधा है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही रिपोर्ट किया था और इसमें देखिए कितनी अच्छी कली निकल के आई है और फूल का साइज़ भी कितना बड़ा निकल के आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वो स्प्रे बनाना सिखाती हूँ, बहुत ही ईजी स्प्रे है, बनाने में लगभग 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और हर 10 दिन बाद अगर आप कर देंगे तो आपके पौधों में जो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा और जितना ज़्यादा खाना आपके प्लांट्स बनाएंगे, फूड बनाएंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और एनर्जी होगी पौधे में तो वो जो है अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर पाएंगे, क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए पौधों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और इस मौसम में तो वैसे भी उनको सर्वाइव करने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है, और अगर हम उनसे फूल लेना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वो हम अपना स्प्रे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने लगभग 1 लीटर के करीब पानी ले लिया है, सादा पानी है, और देखिए ये जो मैं डालूंगी इसमें ये है देखिए एब्सेंट सॉल्ट है, मैं आपको हाथ चम्मच में लेके दिखाती हूँ। एब्सेंट सॉल्ट तो सभी लोग जो गार्डनिंग करते हैं उनको, सभी को इसके बारे में जानकारी होती है। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है फ्रेंड्स, ये हमारे प्लांट्स में जो है मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है, और इसकी वजह से जो हमारी पत्तियाँ हैं ना जो हरी भरी रहेंगी एकदम से, जैसे पत्तियाँ पीली पड़ने की प्रॉब्लम आजकल सर्दियों में देखते हैं कि पत्तियाँ पीली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं, और एक पत्ती गिरती है तो साथ साथ बहुत सारी पत्तियाँ इकट्ठी होकर पीली गिरने लग जाती हैं और हमारा पौधा जो है एकदम बिल्कुल मुरझाया सा, बेजान सा लगता है। तो जो है हमारे पौधों में नई जान डालने के लिए, उनकी पत्तियों की चमक को लाने के लिए, उनकी जो हरियाली को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एब्सेंट सॉल्ट। और ये हमारे जो पौधों की है जो प्रकाश संश्लेषण की, खाना बनाने की प्रक्रिया को भी थोड़ा फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा है ज़्यादा खाना बना पाता है, क्योंकि सूरज भी आजकल कम टाइम के लिए निकलता है, और अगर उस समय में भी अगर कोई ऐसी चीज़ हमें दे कि जिससे उनका जो फूड बनाने की प्रोसेस तेज़ हो जाए तो हमारा पौधे में जो एनर्जी बनी रहेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव अच्छी तरह से कर पाएगा, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, और अगर कलियाँ, अगर हम उन्हें न्यूट्रिशन भी साथ साथ देंगे तो उसमें जो है कलियाँ और फूल भी बनेंगे।
तो ये मैं इसका लगभग एक चम्मच डालूंगी, देखिए भर के डालूंगी एक लीटर में, ये मैं भर के डालूंगी, थोड़ा सा और डाल दूंगी क्योंकि सर्दियां हैं तो हम स्प्रे से ही हम अपना जो है फूड अपने प्लांट्स को देंगे जड़ों की, क्योंकि मिट्टी सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर हम पत्तियों से भी हम अपने पौधों को खाना दे सकते हैं तो स्प्रे हम अच्छी तरह से ज़्यादा सा डाल के कर देंगे। और फ्रेंड्स जो है हमारे जो पत्तियों से अगर जो फूड हम देते हैं अपने प्लांट्स को, वो सीधा हमारे जो है पौधा सीधा डायरेक्टली उसे ग्रहण करते हुए ग्रहण कर लेता है, तो हम इसको स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने से भी पौधों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एक तो ये हमारा एब्सेंट सॉल्ट हो गया, और दूसरी चीज़ जो मैं इसमें मिलाऊंगी, देखिए फ्रेंड्स ये है मेरे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट का पाउडर है, ये मैंने उत्कर्ष कंपनी का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, अमेजोन पर ये ईजिली मिल जाते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, मुझे ये दिखा तो मैंने ये ले लिया। देखिए इसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में लिखा है, इसमें मैग्नीशियम भी है, कॉपर भी है, सल्फर भी है, जिंक भी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसमें मैग्नीशियम भी है, आयरन, जिंक, कॉपर और सल्फेट, सल्फर सब कुछ मिलेगा। देखिए पत्तियों का इसमें पिक्चर बनाया है क्योंकि हम ये जो फूड दे रहे हैं, देखिए पिक्चर इसलिए बना के दिखाई है कि ये जो हम पूरा का पूरा फूड दे रहे हैं पत्तियों के थ्रू दे रहे हैं, तो इसलिए इसका स्प्रे करना बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पत्तियों से हमारी जो फूड लेंगे तो हमारी सीधा जो है पत्तियां हरी भरी बनेंगी और बहुत अच्छा उसमें असर देखने को मिलेगा। इसमें सारे के सारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट्स को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसको भी डाल लेती हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी बेहतर ग्रोथ के लिए, अच्छी जो है उनकी चमक लाने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए, अगर फ्रूटिंग प्लांट है उनको भी माइक्रो न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही होते हैं। देखिए मैंने इतना ले लिया है, और ये हाइब्रिड गुड़हल में तो मैं कर ही चुकी हूँ ये स्प्रे, मैंने आपको जिसका रिजल्ट दिखाया था कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी मेरे प्लांट्स में, आज मैं ये देसी गुड़हल में भी डाल के देख रही हूँ और इसका रिजल्ट भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे जो देसी वाले जो हिबिस्कस हैं उनकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है, अभी भी इतनी ठंड में भी उसमें कलियाँ मैंने आपको दिखाई थी बनी रही हैं उसमें भी कलियाँ, क्योंकि मैं ये घरेलू जो देसी नुस्खे हैं वो बनाती रहती हूँ। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आपसे जो है देसी गुड़हल की जो जड़ों में हम कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे कि थोड़ी बहुत फ्लावरिंग होती रहे, तो वो भी मैं दूंगी बताऊंगी आपको, आज मैं स्प्रे वाला बताती हूँ। देखिए मैंने इसे घोल दिया है और घोलने में बिल्कुल भी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आराम से बिल्कुल घुल के बहुत अच्छा मिश्रण तैयार हो गया। देखिए हल्का ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर आया है ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से आया है, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं ये जो है ना ये भर लूँगी अपनी ये जो मेरी स्प्रे बोतल है इसमें भर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा डार्क ग्रीन कलर निकल के आया है, आप इसके कलर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया जो है सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है। हम इसकी पत्तियों पे छिड़केंगे अपनी, और ये वाला जो सॉल्यूशन है मैं गुलाब की पत्तियों पे भी छिड़कूंगी क्योंकि उसके ऊपर भी मैं डाल के देख चुकी हूँ, गुलाब पर भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैं अपने अब बस इनको मैं सीजनल प्लांट की पत्तियों पर नहीं डालूंगी क्योंकि उसमें जो है स्प्रे करना ठीक नहीं रहता है, तो मैं अपने जो सारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब पे इसका स्प्रे करूंगी। और देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है, ये पूरा का पूरा हमारा जो है फूड बन के तैयार हो चुका है जिसमें कि सब कुछ मिल जाएगा हमारे प्लांट्स को, कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक सब कुछ मिलेगा और मैग्नीशियम सल्फेट भी मिलेगा। तो हम अपने प्लांट्स को इस तरीके से भी फूड और फर्टिलाइजर दे सकते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और अब मैं इसको सभी प्लांट्स पर आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अपने देसी गुड़हल से हम शुरू करते हैं, इसको बिल्कुल पत्तियों को बिल्कुल अच्छी तरह से भिगो दीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम इसको स्प्रे करें ना थोड़ी सी धूप निकली हो ताकि जो है एकदम से ये सूख जाए, जो पत्तियों के ऊपर है पानी थोड़ी देर टिके, वैसे तो अभी हवा भी बहुत चल रही है, हवा से भी पानी सूख जाता है। तो मैं देखिए सारे के सारे जो है मेरे देसी जो हिबिस्कस हैं, मुझे सबसे अच्छा प्लांट यही लगता है इसलिए मेरे पास बहुत सारे प्लांट मिलेंगे आपको इसके सभी कलर के। इस पे जो कर रही हूँ यही रेड वाला है, ये मेरा पिंक देसी गुड़हल है, अभी जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका। देखिए सब में बिल्कुल अच्छी तरह से सारी पत्तियाँ जो है भिगो दीजिए इसकी, और इसका बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये मेरा नुस्खा, और आप देखिएगा कितना अच्छा आपको। देखिए नई नई पत्तियाँ अभी भी निकल रही हैं इस मौसम में, ये देखिए कलियाँ भी बनी हुई हैं, और अगर ज़रा सा भी इनको हम कुछ और न्यूट्रिशन देंगे तो एकदम बूस्टअप हो जाएंगे और इनमें फ्लावरिंग होगी। और देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा, ये गंधराज का मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गंधराज के पौधे में ये देखिए कलियाँ कैसे निकली हुई हैं, जबकि ये बिल्कुल समर लविंग गर्मियाँ पसंद करने वाला पौधा है। और देखिए इसमें भी मैंने की थी ये स्प्रे, और देखिए कलियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी कलियाँ निकल के आई हैं, ये देखिए ये मेरा गंधराज का पौधा है, इसके ऊपर भी कर दूंगी मैं, कलियाँ तो इसमें बन चुकी हैं बस खिलना बाकी हैं, इसी तरीके से कर दूंगी फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो सॉल्यूशन बनाना और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स, फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ।